स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। उसे तीनों कालों की, सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वह जानते हैं कि यह परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। स्वस्थिति में स्थित हो रहे हैं, स्वयं को अनुभव कर रहे हैं, मैं आत्मा जो त्रिबिंदु माथे पर भ्रुकुटी के मध्य एक चमकता हुआ सितारा, स्वयं को अनुभव कर रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, मैं आत्मा गुणों से भरपूर, शक्तियों से भरपूर, खजानों से संपन्न हूँ, स्वयं को अनुभव कर रहे हैं शक्ति के रूप में, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियों का अनुभव, शक्तिशाली स्थिति, मैं आत्मा मन शक्तिशाली स्थिति में, बुद्धि दिव्य शक्तिशाली, मेरे संस्कार शक्तिशाली, स्वयं को अनुभव कर रहे हैं शक्तियों का करंट मन बुद्धि संस्कार में प्रवाहित है, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा सर्व शक्तियों के करंट में, सर्व शक्तियों का अनुभव, स्वस्थिति में स्थित आत्मिक स्थिति का अनुभव, स्वयं को अनुभव कर रहे हैं, मेरी शक्तियों को अनुभव कर रहे हैं, मैं आत्मा इस देह से न्यारी, देह को चलाने वाली शक्ति हूँ, नॉलेजफुल आत्मा, सारी नॉलेज मुझ में समाई हुई, स्वयं को अनुभव कर रहे हैं तीनों कालों में, मैं नॉलेजफुल आत्मा, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, बुद्धि देख रही है तीनों कालों को, मन अनुभव कर रहा है, आदिकाल को देख रहे हैं, स्वयं को देख रहे हैं आदिकाल में, मैं देवी देवता अनुभव कर रहे हैं, मध्यकाल को देख रहे हैं, स्वयं को देख रहे हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, अपने पूजनीय स्वरूप को देख रहे हैं, और अब आ रहे हैं अंत का समय, इस काल को देख रहे हैं, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में समाया हुआ, मैं नॉलेजफुल आत्मा, क्योंकि नॉलेजफुल हूँ, स्वस्थिति में स्थित शक्तिशाली स्थिति है, इसलिए किसी भी व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं, किसी प्रकृति द्वारा कोई प्रभाव नहीं, मैं आत्मा मेरे संकल्प मेरे वश में, मन बुद्धि संस्कार पर मेरा अधिकार, इसलिए इस दुनिया का कोई भी संकल्प मन में आ नहीं सकता, कोई भी परिस्थिति मुझ आत्मिक स्थिति पर हावी नहीं हो सकती, किसी परिस्थिति का व्यक्ति वस्तु वैभव प्रकृति का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव, तीनों कालों का ज्ञान और सर्व आत्माओं का ज्ञान,
अनुभव कर रहे हैं अन्य आत्माएं, उन्हें नॉलेज नहीं है, शक्ति नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है और इसलिए अन्य आत्माएं परवश हैं। व्यक्ति प्रकृति का प्रभाव उन पर पड़ रहा है, परिस्थिति का प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि वे स्वस्थिति में नहीं। मैं आत्मा स्वस्थिति में स्थित, आत्मिक स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, शक्तियों से भरपूर और निरंतर शक्तियां दे रही हूँ। मुझसे निकलती शक्तिशाली तरंगे चारों ओर फैल रही हैं, वायुमंडल में फैल रही हैं। वायुमंडल में जितनी भी आत्माएं हैं शक्ति का अनुभव कर रही हैं, सभी आत्माओं को शुभ भावना दे रहे हैं, शुभ कामना दे रहे हैं, निरंतर देते जा रहे हैं। विश्व की समस्त आत्माओं को शक्तियों से भर रहे हैं, शुभ भावना शुभ कामना दे रहे हैं और इसलिए मैं आत्मा निरंतर सेवा करती हुई किसी भी परिस्थिति में कोई घबराहट नहीं लेकिन सदा मुस्कुराते हुए स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाली मैं मास्टर नॉलेजफुल। ओम शांति।